आज के समय में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से परेशान रहते हैं। अब चाहे वो कोई छोटी समस्या हो या फिर कोई बड़ी समस्या। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में हमारा खान पान कुछ ऐसा ही होता जा रहा है जो हमें कई समस्याओं से ग्रस्त कर देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदहजमी की समस्या के बारे में। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदहजमी एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को हो सकती है, और अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो फिर आप अपने आप को बेचैन महसूस करने लगते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बदहजमी को डिस्पेप्सिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते पेट में तेज दर्द होता है। चलिए अब बात करते हैं बदहजमी होती क्यों है। तो आपको बता दें कि ओवर ईटिंग, मसालेदार और चिकना खाना, भोजन के तुरंत बाद सो जाना, स्मोकिंग और ड्रिंक्स का सेवन, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी कुछ दवाएं, एसिड रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक कैंसर, सेलेक रोग, गैलस्टोन अग्नाशय, असमानताओं या पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याओं के चलते बदहजमी की समस्या होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके उपायों के बारे में। तो आपको बता दें कि बदहजमी की समस्या को दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक एंटासिड है जो बदहजमी और हार्ट बर्न का इलाज करने में मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो पेट एसिड को बेअसर करने में मदद करने वाले एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन तंत्र के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। आप पानी के साथ या शहद और यहाँ तक कि नींबू के साथ बेकिंग सोडा ले सकते हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल भी बदहजमी की समस्या में कर सकते हैं। जी हाँ, अदरक लंबे समय से बदहजमी का इलाज करने के लिए भारतीय परिवारों में एक लोकप्रिय घटक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें जिंजरोल शामिल है, जो अपचन और मतली से मुक्त होने के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि इसके फेनोलिक कंपाउंड गैस्ट्रिक संकुचन को कम करते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जलन से छुटकारा दिलाते हैं। ये सूजन को कम करने के लिए भी जाना जाता है। क्योरेन हेल्डेस से रिजवान खान की रिपोर्ट। Start your career with us.